ओम शांति। मोर शरीर ना परिचय होची डॉक्टर गीतांजलि दास। मो पेशारे जने वेटनरी डॉक्टर, पशु डाक्तर। समस्त लक्ष्य थाए जे मु केमती भलो पाठ पढ़वी। से जो लक्ष्य टी आम बापा माँ मैंने आमको छोट बेलू बत आमको भल पढ़वार अच्छी, भल मनीष हबार अच्छी। तो आम सब बेले गोटे लक्ष्य पचर दौड़ी था। तो जीवन र मानने समस्त एमती थाए जे मोर एम लाइफ एमती गोटे हेबी। तो सेमती समस्त भाई मुँह भी छोट बेलू मो जीवन में गोटे डक्टर हाँपी आशा रखी। जहाँ भी हो भगवान दया जड़े पशु डाक्तर भाव में बर्तमान कर्म जोगी भाव में बर्तमान कम कर। तो जीवन रो छोट बेल ठारू आज पर्यंत यो पहाज मुझ चढ़ी चढ़ी आसी समय क्रमे मु छोट बेलू भी ब्रह्मा कुमारीज भौणी मान संपर्क आसती आम गाँव में मोर पीयूसी नानी देखी से समस्त जमी भावती मैंने आध्यात्मिकता मार्ग से मैंने जाऊँच कौन गोटे धर्म कम कर कि गोटे जना न था कौन तर महत्व। तापर स्कूलिंग कॉलेज एमती सब टाइम रे भी मोर माने बाय चांस हो कि केमी भी हो मु ब्रह्मा कुमारीज कांटेक्ट रे बहुत आसी ज्ञान को भी जानी। किंतु जेहेतु कैरियर ओरिएंटेड था आम बातबाद मुझेटा भल भाव ये भितर पशिवा को मानने समय पाई नी। तापर समय क्रमे जो मोर भी मैरेज है मोर मान जोग को कहती जमी मो जो पर भी मोर इनलज फैमिली रे भी आम रिलेटिव्स मैंने ब्रह्मा कुमारीज थे। तो से ही समय रे ही मु बहुत पाखरु ब्रह्मा कुमारीज को देखा पाई थी। तो ताकि मोर जड़े नणंद थे मु पर्टिकुलरली लाइफ रे बहुत चेंजेस देखिली आगुरु केमती थिले पछरे केमती हेले। तो या द्वारा मु गोटे इंस्पायर्ड हेली समथिंग इज देयर। तो किसी गोटे निश्चय एथे अच्छी जो थे मनुष्य एमती परिवर्तन हो जाउछन्ती। आमको बहुत समय रे डिपार्टमेंट तरफ रू भी ट्रेनिंग पठा जाए। तो से ट्रेनिंग रे भी मुझे लक्ष्य करें टॉपिक रो ट्रेनिंग था स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट ए समय रे भी बहुत समय रे मुझे लक्ष्य करे ब्रह्मा कुमारीज जो भौणी मैंने अच्छा से मैंने आसिक ट्रेनिंग दिखे। समय मत स्ट्राइक कला बहुत प्रकार तो धर्म मानने जो प्रचारक अच्छा एमती अच्छा तो एम जो कहार जो वे रे बुझौं समथिंग डिफरेन्ट। तो या द्वारा मते बहुत आग्रह आसीला विषय आ भितर पशिवापी। तो तापरे मु सेंटर को जाइली। सेंटर रे भौणी मैंने मते कोर्स कराइले कोर्स कराइवा परे परे मते भी सेते मास्टर इन वैल्यू एजुकेशन जो स्पिरिचुअलिटी अच्छी से रे भी मु मास्टर डिग्री कली। मोर ए सब करिबा पछरे सब बेले लक्ष्य थाए मु बहुत तर्जमा करथली बहुत परीक्षा करछि। तो शेषे जमती कहती भगवान जहाँ को चूज कर जिते परीक्षा कले कौन हम। तो अल्टीमेटली मत लाइनटा मानने मिलगला भगवान मोर गोटे जो भरोसा आशा मानने पूरा प्रत्यक्ष अनुभव बहुत सारा पाई। तो से जो अनुभव भितर आपण मानते किटा सेयार करी जोबले कर्म क्षेत्र में आम जो कम करूँ गवर्नमेंट डिसाइड करमती वर्किंग वुमेन केमती भल स्ट्रेस मैं स्ट्रेस फ्री कंडीशन में कम करेंगे। तो मुझे ब्रह्मा कुमारीज जो मेडिटेशन कोर्स सबुटा सब कली ज्ञान को जानी मुरली बार मानने रेगुलर गोटे स्टूडेंट भाव में मुझे सब जिन फॉलो कली से बड़े मुझे निज निज भितर गोटे एम्पावरमेंट फील कली। आम तो खाली वुमेन एम्पावरमेंट कथा कहते किंतु रियल एम्पावरमेंट जितेबले आपण आत्माटा को चिन्हे तो से आत्मा कौन ए शरीर कौन एवं मुझे परिचय दे शरीर ना। तो समस्त मु भी दिने अज्ञानी थी जे आम गोटे बेसी बॉडी कॉन्शियसनेस रे रो था एमती करवा घर द्वार करवा एमती सब गोटे अलग टाइप रो फास्ट है जब हो गला जब पर घर करवा फैमिली सेटल्ड हम केमती कौन सब विभिन्न प्रकार आम सब लक्ष्य पचर जो भौतिक लक्ष्य पचर धावान हो आम मानसिक स्थित को बहुत समय आम इम्बालांस कर आम एम डिस्टर्ब हो चल था। तो तापर जितेबले सेंटर को आसला परे भौणी मानकर जो रेगुलर माने क्लास कहतु मुरली क्लास तो आम अच्छी तापर मेडिटेशन केमती करा जाए ये सब जिनस कलापर मोर पर्टिकुलर पर्सनल अनुभव कहि जो वर्क स्पीयर में जिते स्ट्रेस आसू जो जो पर्सन जी भी जमीती भी आमको हैरान करने चेष्टा करते गोटे आसे जमी मो सांगे भगवान अच्छा मत कहीं किसी मो ठीक अच्छी मो सत्पथे अच्छी मत कहीं के हैरान करें जो लोकर जो भाया भाव में आपं प्रति नेगेटिविटी थी आम आम जो थॉट जो पॉजिटिविटी जो थॉट को आम जो डेवलप करवाई सब बेले से पॉजिटिव संकल्प रखी
ତ ଆମେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋର ଯେଉଁ ବସ୍ ଥାନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିଛି। ତ ତାପରେ ଜବ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରରେ ବରହମପୁରରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟେଡ଼। ତ ସେଠି ଥାଇକି ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଏଠି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟିଂ ଏଠି, ମୋ ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବାବାଙ୍କର କୃପା ମୋତେ ଭଉଣୀଙ୍କ କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ ଓରିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଠି ଏବେ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଏଜିପ୍ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ମୋର ଅଫିସ୍ ଆୱାର ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା କଥା, ଏବେ ତ ମାନେ ବହୁତ କ୍ଲାସେସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତଥାପି ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେବା କରିବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଲି ରହିଛି, ମୋ ଜବ୍କୁ ଏତେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଭାବରେ ମାନେ ମୁଁ ଆରାମରେ ସେଠି କରିପାରୁଛୁ। ମୋ କଲିଗ୍ ମାନେ ଦେଖିକି କହନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଧରିଛ ଯେ ତମେ ସବୁରେ ଭଲରେ ଅଛ, ତମେ ମୋତେ କହନ୍ତି ତମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଅଶାନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହୁଛୁ, କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ, ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ। ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। ତ ଏତେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର କନସେପ୍ଟ ବା ସେଲ୍ଫର ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେ ବି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ବା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିବା ଖୋଜିବାନି କେଉଁଠି ସୁଖ ମିଳୁଛି କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ୱେରେ ଭଲ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବା। ଏତେ ଗଲା ମୁଁ ମୋର ଜବ୍ କଥା କହିଲି। ତାପରେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, କୋରୋନା ଟାଇମ୍ ତ ସିଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କୋରୋନାରେ ବି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବି ଆମେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର କମାଲ ବା ଆମେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିଛୁ କରୋନାରେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବି ମୁଁ ବି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ସେମିତି ଲାଗିଲାନି, ବହୁତ ଇଜିଲି ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରିଥାଉ, ବାବା ବାବା ମାନେ ମାନେ ଗଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରହିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟେବିଲରେ ଥାଉ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ହିଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଜିଟିଭ୍ ପାୱାରକୁ ଆମ ଭିତରେ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭିଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗଡ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଗଡ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଶିଖି ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିଏ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତା କ'ଣ ଗଡ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆଜି ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆସିକି ଏଠି ସୃଷ୍ଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି, ତଥାପି ବି ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତ ଆମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ବି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ମୋର ହଠାତ୍ ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଟରେ ପେନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଠି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କହିଲେ ଚାଲ ମୋର ହେଲେ ଟିକେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି କଲୁ। କଲା ପରେ ମୋର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନର୍ମାଲ ବାହାରିଲା, ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ସେଟା ହେଉଛି ହାର୍ଟରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକେଜ୍ ବାହାରିଲା, ମାନେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କ'ଣ କରିପାରିବି କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପୁରା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବାବାକୁ ଡାକିଲି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ଟଚ୍ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଆଉ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ତ ମୋ ସେଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ ଦ ବେଡ୍ ଏନ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେବି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ଲଗେଇବା ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିଏ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି କିଏ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ କେମିତି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଇଜି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଚେକ୍ଅପ୍ରେ ଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ମାନେ ଯଦି ବା ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ଲାନିଂରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରାୟର ମାନେ ନୋଟିସ୍ ଆମ ବଡ଼ିରେ କିଛି ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ କରେ ନାହାନ୍ତି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ସେ ଅପରେସନ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍ ନାଉ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରେ ଏଇଟା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବାବାଙ୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେସବୁରୁ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମାନେ ଇଏ କରିଯାଉଛି।
बाबा कहते आज समस्त दिने समय आसब समस्त ये ज्ञान शुणाओ समस्ते जानतु तो जदि पारुच निज घर टिके दियो सेठी गीता पाठशाला कर माने गीता ज्ञान शुणाओ समस्त गोटे माने प्रोविजन कर तो जहा हो बाबा ग्रेस रु मोर गोटे तल फ्लोर टाक मुझे भौणी रेन्ट्रे नहीं कोरोनार कंडीशन देखिकी मुझे कहली भौणी आउ मत रेन्ट्र आवश्यक ना आपड़ जमी पार्टी ए घरटा मो बाबा निमित्त कली आपड़ से कैरियन करूँ तो मु देखिली मोर के बड़ बड़ माने जो कहते एक्सपेन्से आसी किंतु सेटा बहुत कम रे जाए मो पु को कोचिंग रे देली से कोचिंग रो जो एग्जाम रे से 2 लाख रो गोटे एग्जामिशन पाइला तो सेटा ही मोपाई गोटे गिफ्ट बाबा मत माने रिटर्न दे दौंती जोटा 4,44,000 रो गोटे पैकेजटा मो पुपाई से 2 लाख पड़ला तो मुझे भाविली देखु मानने आप इनडाइरेक्टली गोटे के महत उद्देश्य आम करूचु विश्व सेवा मानने ये जो लक्ष्य ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन समस्त जानूं ये गोटे धर्म मानने कौन स्पिरिचुआलिटी ए चली तार उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन चेंजेस आम बर्तन ये कलीजुग को चेंज मानते बर्तन समय आसी कलीजुग सरी सरी आसुच्छे समस्ते अनुभव भी कले सत्यजुग आस कलीजुग सरी सरी जाऊँ सत्यजुग आस तो आपकी आत्मा मानने दरकार कौ भाया देवता रेवता मानने दरकार सत्यजुगर देवता थे आम जाचु समस्ते तो से जो देवता लोक मैंने कौटू आसवे देवता आत्मा मान यहीकार लोक मैंने निजक परिवर्तन कर निजर संस्कार को चेंज कर आत्मा भितर गुड क्वालिटीज सब मानने धारण करवतार मानने फर्म रे आसबे तो आज आम जदि यिनस ज्ञान को निज भितर मानने एब्जर्व कर इनकल्केट करवा मैंने धारण करवा जो कहते कले आम भितर कौन हम भल गुण सब डेवलप हम आम जहाँ भी थी मोर सपोज मुझे नेगेटिविटी थी मोर दुर्गुण जहाँ भी था मुझे बर्तन रियलाइज करके चेंज करने आड़क गति कली तो सहीटा ही मोर पर धीरे धीरे मोर नेक्स्ट जो एवरी क्वालिटीज मोर चेंज हम तो यहीटा को आम पर कहते जदि जड़े मनीष पर स्व पर कौन हो विश्व पर तो विश्व पर भगवान लक्ष्य भगवान ये आम मैंने मध्यम मात्र आज ये जो मेसेज भी मुझे मानने कहार सुजोग पाई तो ये भी भगवान मैंने आमको मानने गोटे सुजोग देखते तुम तुम अनुभव द्वारा अन्य जदि ये अनुभव मात्र आउ किए जदि लाइफ इनकल्केट करेंगे तेल इन्स्पायर हे मुझे आज ये जो स्टेज रे पहुँची एमती जन साधारण भौणी पाखु ही मानने इन्स्पायर्ड होकरी आज यही लाइफ से एडप्ट कर तो समस्ते कहते ब्रह्मा कुमारी जो लाइफ टा बहुत डेडिकेटेड लाइफ इट इज नॉट डेडिकेटेड आपण देखंतु कोरोना समय रे सब लोक बाहर खाइबा बंद कले आमे किंतु कौन ए ज्ञान रे आसला परे बा जो 80 वर्ष हलाणी बहुत ब्रह्मा कुमारी माने जो जो भौणी भा भाई माने ए ज्ञान रे चलचंती से माने सेमती ही खानपान शुद्ध तांकर करचन ता माने समस्त पवित्र बा मैंने गुड फुड बा गुड हाइजेनिक वे रे रोचंती हेले स्वास्थ्य भल रहइबो आमे परिस्थिति रे पड़ी करी आज चेंज होचे किंतु एठी भगवान 80 वर्ष हेलाणी आसी 80 वर्ष पूर्वरु आसिकरी आमको ए टीचिंग्स दोचंती जे आमे एमिति माने पवित्र रहिबा बा क्लीन हाइजीन ए सब वे रे क्लीन हाइजीन तो आम एक्सटर्नाली मेंटेन कले बट आम आम आत्मा को भी डेवलप कर जदि आम खाद्य पानी सब जिनस पवित्रता आसला मानते प्योरीटी आसला ऑटोमेटिक आम गोटे आम गुण ग्राम सब ही भल भाव आम भितर को आसब तेणु मु बर्तन यही मंच मध्यम आपत को यकी मानने गोटे मेसेज देवाई चाहिए समस्ते जीवन बचुंट किंतु ये आध्यात्मिकटा को आध्यात्मिक मार्गटा को आपण देखु थे या भितर चलवा आरंभ करूँ सुख शांति यही आपे आपे ही आपण जीवन में आसब आप खुशी जीवन बचीपरि ओम शांति।